अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। आया हूँ लेके मैं इंडियन आर्मी की जॉब तुम कर लो, हाँ जॉब तुम कर लो। आया हूँ लेके इंडियन आर्मी की जॉब तुम कर लो, हाँ जॉब तुम कर लो। करनी है जॉब जो अपना है सपना, ज्वाइन अप करनी है इंडियन आर्मी। चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी 130 कोर्स की। टीजीसी एंट्री 40 पोस्टें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम है साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। चैनल को सब्सक्राइब करें और बात कुछ ऐसी है, या तो लाइक करो या तो डिसलाइक करो, बट ऐसे तो नहीं जाने दूंगा भैया, ये बात ध्यान में रखना। फिलहाल ये जो एंट्री है ये ऑल इंडिया के लिए है एंड सिर्फ 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 ओनली मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayakya.in का। आप इस पेज पे आइए, पूरी डिटेल खुद लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल के लिए। फिर से बता दूं, आप सर्च करेंगे samajayakya.in गूगल में जाके। तो ये जो फॉर्म है ना ये टीजीसी है, यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री है, तो ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ में ये जो हमने कल सवाल आपसे पूछा था उसका जो आंसर है वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, और आज का नया सवाल वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में पूछूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो सवाल एंड में ही अच्छा रहेगा। तो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 40 है, टेक्निकल ग्रेजुएट की एंट्री है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई फीस नहीं है, डिफेंस की जॉब है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी, सैलरी 56,000 से लेके 1,70,500 के बीच में होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट जो आपको पर वीक देनी पड़ती है 10,247 जो कि रिफंडेबल होती है, तो टेंशन मत लो सैलरी में से ही कटती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस इसमें आपको मिल जाएंगे, एक्सपेंसेस अगर आप पहली बार इसके लिए जाएंगे, ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक का, एडमिट कार्ड आपका कट ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे जाएगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस SSB होता है भैया, SSB रिटर्न से भी बहुत खतरनाक होता है, ये इंटरव्यू टाइप होता है जो कि 5 दिन तक लगातार चलता है, 2 स्टेजेस में होगा, पहली स्टेज में आउट कर दिया जाएगा, अगर आप आगे नहीं बढ़े तो पहली स्टेज में ही आपको घर भेज दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ग्रुप टेस्टिंग, इंटरव्यू ऑफिसर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये कोर्स आपका जनवरी 2020 में शुरू होगा, इंटरव्यू प्लेस आपका बैंगलोर, कर्नाटका, भोपाल, अलाहाबाद, कपूरथला, पंजाब है। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें जो चाहिए होता है आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, विद कोरिलेशन वेट जो है आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा कि आप हाइट के साथ वेट कितना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन देखिए, आपने इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए या फाइनल ईयर में है। अब इंजीनियरिंग डिग्री फाइनल ईयर की बात आती है तो इंजीनियरिंग डिग्री कौन सी चलेगी, तो इसके लिए क्या करना है, आपने PDF के अंदर जाना है और पेज नंबर 2 में जाना है। देखो यहाँ पे अगर आप सिविल में हो, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपको 10 पोस्टें हैं। अगर कोई आर्किटेक में जाएगा तो आर्किटेक इंजीनियरिंग में आपको 1 पोस्ट है, कोई मैकेनिकल स्ट्रीम वाला है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैकेनिक इंजीनियरिंग है, कुछ मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, 6 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 6 हैं, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपने किस में की हुई है। कंप्यूटर वालों के लिए 8 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेटेलाइट वालों में 5 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिंपल वालों में जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक और ड्राइव्स आ जाएगा 1 पोस्ट है, मेटालॉजिकल कुछ लर्जिकल कुछ करके है इनके लिए भी 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 पोस्ट है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रोवेव में भाई 1 पोस्ट है। तो इसी में आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है इससे रिलेटेड तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल आप लोगों को मैं आगे थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एज लिमिट 20 से 27 साल है एज ऑन 1 जनवरी 2019, यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 1993 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में होना जरूरी है। इसके लिए कोई फीस नहीं होती है, इसीलिए तो एडमिट कार्ड सबका नहीं आता, जिसकी हाई परसेंटेज है उसका आ जाएगा, लेकिन ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाते, तो मैं कहूँगा आप सब अप्लाई करें क्योंकि फीस नहीं है। 10 अप्रैल को फॉर्म शुरू है, 6 मई को खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। यहाँ पे मैं वीडियो ऑनलाइन अप्लाई की देने वाला हूँ, तो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं वो भी हमारी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कल के सवाल की, किसने आंसर सही दिया है। तो पहला जो आंसर मुझे अच्छा लगा, कभी कोई भूखा ना रहे क्योंकि भूख क्या है ये सबको पता है, दीपक कुमार ने अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। विक्रम लाहौर आर्मी ने भी अच्छा आंसर दिया, कहते हैं दुनिया में कोई दुखी ना रहे चाहे कोई में
कोई किसी को दुखी नहीं देख सकता, इनका कहने का मतलब ये है। कहता है वर्ल्ड के सब पीपल का एक विश पूरा हो, बिकॉज सबकी खुशी में मेरी खुशी है वेस्ट बंगाल। ये भी आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तीनों आंसर बहुत अच्छे हैं। अब मैं भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, और वाकई में हमें ना क्या मांगना चाहिए भगवान से, बस यही कि सबका भला हो, क्योंकि सबके अंदर हम भी आ जाएंगे। तो इसीलिए सबका भला मांगो, सिर्फ अपने लिए भला मत मांगो। तो जब आप सबके लिए भला मांगोगे, सबकी खुशी मांगोगे, तो आप भी उसमें आ जाओगे। तो आज का तो आंसर ये हो गया। कल का जो सवाल है वो ये है, कल का सवाल आपके लिए ये है कि भैया क्या हम जो गलती से कोई पाप कर बैठते हैं, क्या वो पाप कहलाता है या नहीं कहलाता है? तो इसका सही जवाब दीजिए और आप भी अपना नाम यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जरूर, या तो कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?